सरकारनी परीक्षा विषय। गुजरात बोर्ड की धोरण 12 परीक्षा रद्द करवामां आवी छे। सरकारना निर्णय थी कहीं खुशी कहीं गम जेवो माहौल जोवा मळी रह्यो छे। परीक्षा रद्द करवाना निर्णय मामले शू माने छे विद्यार्थियों शिक्षकों अने शिक्षणविदो जुओ अहेवालमां। प्रधानमंत्री मोदी ना सीबीएसई बोर्ड की धोरण 12 की रेग्युलर परीक्षा रद्द करने निर्णय पगले गुजरात बोर्ड की धोरण 12 की परीक्षा रद्द करी है। कैबिनेट बैठक में चर्चा विचारणा बाद शिक्षण मंत्री भूपेन्द्र सिंह चुड़ासमाए आ जाहरात करी। धोरण 12 की परीक्षा टाइम टेबल जाहिर कर 24 कलाक करता ओछो समय में राज्य सरकारे आ निर्णय बदली नाख्यो। माननीय प्रधानमंत्री श्रीए बारनी परीक्षा रद्द करवानो जे निर्णय लीधो छे एना अनुसंधाने आजे मळेली केबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री श्रीना अध्यक्षस्थाने गई काले माननीय प्रधानमंत्री श्रीए लीधेला निर्णयनी चर्चा थई छे अने गुजरात बोर्ड की परीक्षा पण माननीय प्रधानमंत्री श्री लीधेला निर्णय अनुसार गुजरात बोर्ड की परीक्षा पण रद्द करवानो निर्णय लेवामां आव्यो छे। राज्य सरकार ने आ निर्णय पर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामे आवी। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषीए कह्युं कि सरकारे पोतानो अहम अने जीत बतावा परीक्षा जाहिर करी अने बादमां रद्द करी। लाखों विद्यार्थी आ कोरोना काल की महामारी अंदर मानसिक त्रास नो भोग बन से तो एनी चिंता करवाने बदले पोतानो अहम अने जीत देखावा माटे टाइम टेबल जाहिर कर्यु। आजे सरकारे दिल्ली थी गई काले जाहिर थयेलू अंग्रेजी में एनु आजे गुजराती करीने 21 कलाक पछी सरकारे कैबिनेट में फरी निर्णय कर्यो अने कीधुं के हवे परीक्षा रद्द छे। शिक्षण राज्यनो विषय छे। 12મા ધોરણની પરીક્ષા લેવાનો નિર્ણય કરીને જાહેરાત કરી ત્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સ્પર્ધામાં ટકી રહે અને એમના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે અમે આ નિર્ણય કર્યો છે ને અગત્યનો નિર્ણય છે એમ દેખાયું હતું તો આજે પરીક્ષા રદ કરવાનો અગત્યનો નિર્ણય કઈ શેના માટે કર્યો। રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણય મામલે વિદ્યાર્થીઓમાં મિશ્ર પ્રતિસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ખુશ છે તો કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ નારાજ છે। परीक्षा की तारीखों जाहिर थता विद्यार्थियों तैयारी शुरू करी हती। माननीय वडा प्रधान मोदी जी ने खूब खूब आभार व्यक्त करू छू जेमने अमारे विद्यार्थी ने हित में निर्णय लीधो छे। अगर तमे जोवा जाओ तो आखू वर्ष अमारो ऑनलाइन एज्युकेशन में गयु जे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में बहुत बड़ा डिफरन्स है अने आगळ जईने जे अमारुं जे 10th 11th एंड 12th ना प्रमाणे ना एग्रीगेट करीने मार्क्स अमारुं जे निर्णय आवे। परीक्षा रद्द कराई ए अमारा आरोग्य ने ध्यान में लईने रद्द कराई छे। निर्णय सारो छे अमे सरकार साथे स्वीकार्य राखे छे आ निर्णय ने परंतु आमां होशियार विद्यार्थीओ अने जे वीक स्टूडेंट्स छे ते वच्चेनो डिफरन्स नहीं आवी सके अने होशियार विद्यार्थीओने आमां लॉस जई शके छे। परीक्षाओ तो रद्द थई गई परंतु हवे सवाल ए छे कि मार्कशीट केवी रीते तैयार करवामां आवशे। विद्यार्थीओ वालीओ अने शाळा संचालकोनुं कहेवुं छे कि सरकार जल्दी ज मार्कशीट तैयार करे जेथी तेओ आगामी सत्रनी तैयारीओ शुरू करी शके। सरकारे पण विद्यार्थीओने सपोर्ट करवो पड़शे अने एक्झेक्टली डिक्लेर करवुं पड़शे तात्कालिकपणे के आ रिजल्ट ने केवी रीते लोको डिक्लेर करशे। आजे रिजल्ट तमे रद्द करी छे ए खरेखर एक्झाम रद्द ज छे अने रिजल्ट पासनुं तमे आपवाना छो जो विद्यार्थीओने कई रीते आपशो कई रीते ग्रेड कारण के भविष्य में विद्यार्थी आगळ घणा बधा अलग अलग कोर्सिस में जवा मांगता हो घणा विदेश में जईने भणतर पोतानुं पूरुं करवा मांगता हो एवा घणा प्रश्नों छे जे विद्यार्थीओने मूंझवी रह्या छे जेनो जवाब खरेखर शिक्षण मंत्री अत्यारे तात्कालिकपणे एमना कोई अनुयायी अथवा पोते आवीने आ प्रश्ननो जवाब आपवो जोईए। धोरण 10 अने 12 बोर्डना रेग्युलर विद्यार्थीओनी परीक्षा रद्द करवामां आवी छे परंतु रिपीटर विद्यार्थीओ माटे सरकारे हजी सुधी कोई निर्णय लीधो नथी। साथे ज शिक्षण मंत्रीए जाहेरात करी के 7 जून थी नव सत्र शुरू थई रह्यु छे जे ऑनलाइन रहेशे। कोरोना काल में विद्यार्थियों स्वास्थ्य ने ध्यान में राखी सरकारे परीक्षाओ न लेवा निर्णय तो कर्यो परंतु पड़कारों घणा छे। मार्कशीट और एडमिशन मामले सरकार की गाइडलाइन पर सब कोई नजर रहेशे।